वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं और क्या चल रहा है लेटेस्ट क्री मार्केट प्रीमियम इन दी आईपीओ मार्केट सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं जितना भी कंटेंट हम इस चैनल पे रखते हैं दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें रिसेंटली हमने अपने चैनल पर वीडियो रखी थी विद रिस्पेक्ट टू द आई पी ओ अर्ट ऑन बजाज हाउसिंग एज वेल एज ऑन द प्रीमियर एनर्जीज आई पी ओ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जैसा प्रीमियर एनर्जीज में आपको एक मैसिव लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिला था सिमिलरली आपको बजाज हाउसिंग आईपीओ में भी देखने के लिए मिल सकता है तो जो स्ट्रैटेजीज हमने प्रीमियर एनर्जीज आईपीओ के ओ के में फॉलो की थी वो आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को जाके भी एक बार जरूर देखिए राइट आफ्टर द मैसिव सब्सक्रिप्शन ऑफ थ्री लाख करोड़ रुपीज आज के दिन इस पर्टिकुलर आई का अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है और अगर आप देखें तो ये बी की वेबसाइट है जहाँ पर आप इसका अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप इस पर क्लिक कीजिए इशू टाइप आपको इक्विटी सेलेक्ट करना होगा इशू नेम बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एप्लीकेशन नंबर या फिर आप अपने पैन कार्ड नंबर से एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं वंस यू क्लिक आई एम नॉट अ रोबोट यू कैन जस्ट सर्च द मोमेंट यू सर्च राइट आपके सामने स्टेटस आ जाएगा हाउ एवर मुझे लगता है कि यहाँ पे बी एस सी की वेबसाइट इस वक्त डाउन है अदरवाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड नो फाउंड द एप्लीकेशन इज नॉट बेडेड स्लैश प्रोसेस थ्रू बी एस सी अभी जिस वक्त मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ बज रहे हैं नौ बज के पंद्रह मिनट और अभी भी इस पर्टिकुलर आई पी ओ का अलॉटमेंट स्टेटस बाहर नहीं आया है तो हो सकता है कि आज रात के 12 बजे से पहले पहले आपको अलॉटमेंट स्टेटस आता हुआ दिखाई दे तो आप इस लिंक पे जाके उस स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं तो सेकंड वेबसाइट जहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस देखने के लिए मिलेगा दैट इज़ ऑफ के फिनटेक जो इनके रजिस्ट्रार थे और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आई पी ओ स्टेटस अभी अपकमिंग है आपको कुछ नहीं करना होगा आपको एक लिंक पर क्लिक करना होगा जहाँ से आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे के फिनटेक की वेबसाइट पर अगेन जो स्टेप्स आपने यहाँ पे फॉलो किए बी की वेबसाइट पे जैसा कि आपने सेलेक्ट किया इशू नेम एप्लीकेशन नंबर और पैन कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे भी रिसर्च कर पाएंगे आप देख सकते हैं आप पे सिलेक्ट आईपीओ में आपके पास प्रीमियम एनर्जी जैसे आईपीओ के नाम है यहीं पे आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी आईपीओ लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा आप एप्लीकेशन नंबर डीमैट अकाउंट नंबर पैन नंबर को डालिए कैप्चा भरिए और आपको आपका अलॉटमेंट स्टेटस मिल जाएगा राइट बात करूँ मैं कंपनी के बारे में तो कंपनी हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल राइट फ्रॉम द लिस्टिंग डे जो कंपनी के प्रीमियम्स है राइट right. जो कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आपको कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई दे देंगे आप देख सकते हैं थर्टी नाइन और थर्टी सिक्स का लो था जब वो लिस्ट हुआ था और आज के टाइम पे ये पर्टिकुलर प्रीमियम सेवेंटी एट हो चुका है कंटिन्यूसली इस पर्टिकुलर आईपीओ में चार से तीन तारीख से लेके आज तक बाइंग आते हुए दिखाई दी है और सिक्सटी फोर परसेंट से प्रीमियम बढ़ के अभी के टाइम पे वन हंड्रेड इलेवन पॉइंट फोर थ्री परसेंट देखने के लिए मिल रहे हैं अगर आप इसी प्राइस को कंपनी के अपर प्राइस बैंड पे जोड़ते हैं सेवेंटी एट रुपीज को तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग डेढ़ सौ रुपए तक की देखने के लिए मिल सकती है राइट विच इज मैसिव और ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है अभी आठ बजे अपडेट हुआ है और आपको मंडे को जब ये लिस्टिंग देखने के लिए मिले तो एक मैसिव मैसिव ओपनिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आई में साथ ही साथ जो सेकेंड आई है जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ये आई भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है दैट वॉज ऑफ़ पी ज्वेलर्स और अगर आप देखें तो पी ज्वेलर्स में भी एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ आपको दिखाई दिया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ग्रे मार्केट प्रीमियम आज इस पर्टिकुलर आई में लास्ट डेट थी एप्लीकेशन लगाने की जी एम पी चल रहा है अगर मैं इसे एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस पे जोड़ता हूँ तो एट हंड्रेड

देखने के लिए मिली है विद ज्वेलरी स्टॉक स्पेशली इन फोकस इन ट्रेंड विद अपकमिंग फेस्टिविटीज तो ये दो आईपीओ थे जहां पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था आई होप आई वो एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑफ वट इज दी करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफ दीज आई पी ओ एज वेल एज कैसे आप स्टेप बाई स्टेप आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं दैट्स इट फॉर टुडे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप डेफिनेटली उसे कमेंट सेक्शन में डालें और मैं आपके साथ वो शेयर करने की ट्राई करूँगा दैट्स इट थैंक यू हैप्पी इन्वेस्टिंग